पाकिस्तान में हर साल हजारों औरतों को मोहब्बत करने के जुर्म में गैरत के नाम पे कत्ल किया जाता है। खुदारा मोहब्बत करें और करने दें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमना इफ्तिखार और आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ टीवी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 14 फरवरी को दुनिया में मोहब्बत करने वालों का आलमी दिन यानी वैलेंटाइंस डे मनाया जा रहा है, तो इसी बारे में हम जानेंगे पाकिस्तानी आवाम से कि वो अपना वैलेंटाइंस डे कैसे मना रहे हैं और क्या वैलेंटाइंस डे पाकिस्तान में मुसलमानों को मनाना भी चाहिए या नहीं। तो चले आए लोगों की तरफ और उनसे जानते हैं। इस वक्त मैं फूलों की दुकानों पे खड़ी हूँ और यहाँ काफी लोग मौजूद हैं, लेकिन वो जो है बात करने से शर्मा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ वो कि हमसे बात करें और बताएं कि वो वैलेंटाइंस डे कैसे मना रहा है। कैसी हो रही है सेल? सेल है इसकी, मट्ठी हो रही है। मट्ठी हो रही है पिछले साल बहुत सी, मतलब कि इस दफा लोग जो वैलेंटाइंस डे जो है वो नहीं मना रहे, कम मना रहे हैं। कम मना रहे हैं। क्या आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह है? पता नहीं भाजी, महंगाई बहुत है, महंगाई की वजह। अच्छा, महंगाई हो गई है तो लोगों ने वैलेंटाइंस डे मनाना छोड़ दिया? क्योंकि महंगाई बहुत है, जेड़े अंदर ना दे ना दे दो, 40 रुपए दे दो, पैसे नहीं है, कोई कुछ कहते हैं। तो आपने ये ब्लैक और व्हाइट कलर के फूल पकड़े हैं, किसके लिए लिए? ये तो सारे फ्रेंड्स के लिए हैं। अच्छा, के कोलीग्स जो हैं उनके लिए हैं, और मिसेस के लिए मैंने बुके लिया है। अच्छा, कि अभी चॉकलेट्स रहती हैं। तो आप किस तरह वैलेंटाइंस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं? सेलिब्रेट बस फैमिली के साथ ही होती है ज्यादा सेलिब्रेशन, तो मतलब हमारी तो सेलिब्रेशन बस यही होती है कि फ्लावर्स दे दिए, गिफ्ट दे दिया और खाना शाना खा लिया, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया बस। मेरी एक फ्रेंड है डॉक्टर माहम, ठीक है, तो उसको मैं हाय बोल रहा हूँ, तो उसके लिए मैं ये वाइट फ्लावर बाय करने आया था इधर से। तो इसके बाद लोगों को करना चाहिए ये, ठीक है, ये खुशी का मौका होता है और इसको अच्छे तरीके से गलत माइंड से नहीं लेना चाहिए। आपका लेंता क्या? लेंता क्या करती हो? नहीं ना वो भाग गई, बताओ ना इनको कि मैं किधर आई हूं। अच्छा, आप बस मुझे ये बताओ आपने ये फूल किसके लिए लिया है? बताओ ना, को मम्मा के लिए बताओ ना। यहाँ हम देख सकते हैं कि खासा रश है और लोग फूल खरीदने तो आ रहे हैं, लेकिन हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो बात नहीं कर रहे। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह होगी? ये व्हाइट है, येलो है, ये व्हाइट है, व्हाइट है, व्हाइट और रेड फूल जो लिए ये किसके लिए लिए? वाइफ के लिए लिए। वाइफ के लिए लिए। कितना अर्सा हो गया शादी को? पहला साल है। कितना अर्सा हुआ आपकी शादी को? मेरी शादी को तकरीबन 4 साल हो गए। तो 4 साल से आप हर साल वैलेंटाइंस डे जो सेलिब्रेट कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको क्या लगता है करना चाहिए वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट? फैमिली के साथ करना चाहिए, वैसे मतलब अगर आप दीन के लिहाज से देखें तो वो एक अलग चीज़ है, वो अलग टॉपिक है। फैमिली के साथ होना चाहिए, टाइम मौका है ना, एक स्पेंड करना चाहिए आपको टाइम फैमिली के साथ। तो आपको क्या लगता है वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करना चाहिए? वैलेंटाइन डे अब आप अगर देखें पाकिस्तान के लिहाज से देखें तो शादीशुदा को तो करना चाहिए, बाकी जो है वो मुझे नहीं पता कि मुला लोग क्या कहते हैं इसके बारे में। अच्छा, तो लोग इतना छुप क्यों रहे हैं, मुझे इसकी वजह समझ नहीं आ रही। छुप रहे हैं? हाँ, मतलब कैमरा देख के लोग भाग रहे हैं, आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह है? वो इसकी ये वजह है कि उनका सीन खुला हो जाएगा ना, जो सीन कौन सा सीन जो जानू मानू वाला सीन उनका खुल जाता है। चले मैं तो आया हूँ, मेरी कोई रीजन है, कोई वजह है, तभी मैं आ गया। पहले मैं लिंक रोड गई, उसके बाद लिबर्टी और अब मैं MM आलम पे मौजूद हूँ। लेकिन आपको पता है नॉर्मली ये होता है कि कैमरा और माइक देख के लोगों का एक हजूम खड़ा हो जाता है और लोग खुद कहते हैं हमारा इंटरव्यू करें, लेकिन आज मोहब्बत का दिन है, वैलेंटाइंस डे है, तो लोग जो है कैमरा देख के भाग क्यों रहे हैं? इवन लड़के नॉर्मली इतने मतलब भाग आते हैं हमारा इंटरव्यू करें, बात करें हमसे, हमने आना है कैमरे पे, आज वो भी छुप रहे हैं और जो एक दो ने बात की है वो भी घबराते हुए। लोग वैलेंटाइंस को सेलिब्रेट तो पूरे जोश व खरोश से कर रहे हैं, गिफ्ट्स लिए जा रहे हैं, फूल लिए जा रहे हैं, बैलून्स लिए जा रहे हैं, लेकिन बताने से क्यों डर रहे हैं, छुपा क्यों रहे हैं? अगर वैलेंटाइंस डे को इतना ही गलत समझा जाता है तो फिर सेलिब्रेट क्यों किया जा रहा है? यहाँ की सूरत हाल तो आपने देख ली, अब हम रुख करते हैं पार्क्स का और देखते हैं कि क्या वहाँ लोग हमसे बात करते हैं या फिर यहाँ की तरह वहाँ भी लोग कैमरा देख के भाग जाते हैं। आज के दिन लाहौर के मोस्टली पार्क्स में कैमरा लेके आना मना है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है ये तो आप समझ सकते हैं। इस वक्त मैं जिस पार्क में मौजूद हूँ वो गुलबर्ग सोसाइटी का एक छोटा सा फैमिली पार्क है, तो हम यहाँ चलते हैं और यहाँ काफी लोग मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं कि वो वैलेंटाइन डे किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं और क्या वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करना भी चाहिए या नहीं।
बताएं आपने कुछ स्पेशल किया है आज वैलेंटाइन पे? जी मैम, आज मैं अपनी जीएफ का वेट कर रहा हूँ। टाइम तो उसने बहुत 4 बजे का टाइम था उसका, अब तो 6 बज रहे हैं, आए ही नहीं अभी तक। मैं अपने दोस्तों के साथ वेट कर रहा हूँ अभी तक, और अभी आ जाती है। ऐसा बस कर रही है कि आ रही हूँ, पता नहीं अब आती है कि नहीं। चले, आई होप कि वो आ जाए और आपका वैलेंटाइन अच्छे से गुजरे। हाँ जी, बस साड़ी भी अभी दुआ है। चले जी, शुक्रिया। अल्लाह। यहाँ 3 और लड़के खड़े हैं, मैं उनसे पूछती हूँ कि वो बेचारे क्यों इस तरह अकेले खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बताएं कि आज वैलेंटाइन है और आप लोग अकेले अकेले क्यों फिर रहे हैं? अकेले इसलिए फिर रहे हैं कि हम फर्स्ट टाइम वो आए थे कॉलेज में, तो हम मिल लिए थे, तब थोड़ी देर बैठे थे, लेकिन हमने कोई ऐसा चक्कर नहीं किया, फूल वगैरह नहीं दिए किसी को। अच्छा। बस जस्ट मिले, सलाम वगैरह की, सलाम दुआ की और बैठ गए, बस ठीक है, बातचीतें किए और फिर चले गए हम घर पे। अब दोबारा से आए फिर। आपको लगता है कि वैलेंटाइन जो है वो बेहयाई को प्रमोट करता है? और आपको भी पता है ये बेहयाई का काम है और क्या है? नहीं, किस तरह बेहयाई का? लोग बेहयाई का कर रहे हैं ना, वैसे तो ये जो दिन है मोहब्बत का दिन है, तो इसमें क्या बेहयाई है? ठीक है कि एक बेटा अपनी माँ को फूल दे दे, बहन भाई को दे दे, इस तरह ना, ना ये कि ना महरम को दे और किसी को दे। मतलब आपको लगता है कि ना महरूमों के साथ जो ये सेलिब्रेट करना वो बेहयाई? हाँ, वो बेहयाई और गुनाह का काम है। तो अगर आपने सेलिब्रेट करना ही है और अगर आपने अपने माइंड में रखा है कि सेलिब्रेट करना ही करना है, तो हाँ आप उनके साथ सेलिब्रेट कीजिएगा जो आपके महरम है, आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है, आपकी माँ है, उनको फ्लैट दीजिएगा, उनको जादू की जप्पी दीजिएगा, उनको गिफ्ट दीजिएगा, उनके साथ टाइम बताइएगा, फिर आपने देखना जिंदगी मुसलमानियत के नाते भी अल्लाह भी खुश है, वो भी खुश है। और इस तरह जो गर्लफ्रेंड के साथ मनाते हैं जिनके साथ कोई लिंक भी नहीं होता और उनकी जिंदगी पर बात करते हैं और अपने लिए ही वो करते हैं। बताएं आपने सेलिब्रेट किया? नहीं, कुछ नहीं किया, जुम्मे का दिन है आज, इस वजह से कोई ऐसा काम नहीं किया। अच्छा, जुम्मा ना होता तो फिर आप सेलिब्रेट करते? जरूर करते। और आप? अल्लाह का शुक्र है कि हम मुसलमान हैं, इस दिन को मनाते ही नहीं है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है क्यों नहीं मनाना चाहिए इस दिन को? ये हमारी बेहुरमती है, हम मुसलमान है, हमें चाहिए कि हम हया करें, ना कि इस तरह के काम करें, कि हमारे घर भी माँ बहन है, इसलिए हम दूसरों की माँ बहनों का भी हया करेंगे तो कोई हमारी बहन माँ बहन का भी हया करेगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वैलेंटाइन डे जो है वो बुरा नहीं है, उसको जो सेलिब्रेट करने का तरीका है वो गलत है? बेसिकली वैलेंटाइन डे बुरा ही है क्योंकि वो एक बुरे कॉन्सेप्ट से आ रहा है, लेकिन फिर भी हमारी जनरेशन को पता है कि हमें मनाना ही मनाना है, तो फिर आप उसको मनाओ उस तरीके से जिस तरह इस्लाम हमें इजाज़त देता है, कोई भी दिन मनाओ। आप 15 तारीख को मना सकते हो, 13 तारीख को मना सकते हो, वैलेंटाइन डे आपकी जिंदगी का हर वो दिन बन सकता है जब आप अपने महरम के साथ और उनके साथ मुखलिस होकर जिंदगी बिता रहे। गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड नहीं, नहीं है, तलाश में हूँ। अच्छा, तो आप बताएं कि आपको क्या लगता है वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करना चाहिए? मेरे रीजन, मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। क्यों? कोई फायदा नहीं है। अच्छा, फायदा किस तरह नहीं है? लाइफ रिस्क है, कोई साथ चलने वाला है ही नहीं। नफरतों के इस दौर में आप सबको मोहब्बत का दिन मुबारक हो। खुद भी मोहब्बत करें और मोहब्बत करने वालों को जीने दें। किसी की मोहब्बत को अपनी गैरत का मसला ना बनाएं। पाकिस्तान में हर साल हजारों औरतों को मोहब्बत करने के जुर्म में गैरत के नाम पे कत्ल किया जाता है। खुदारा मोहब्बत करें और करने दें। मुझे लगता है कि मोहब्बत करना या मोहब्बत का इजहार करना या वैलेंटाइन डे मनाना कोई जुर्म नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन लोग जिस तरह वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और छुप रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हर चीज़ को एक असूल से करना चाहिए। मोहब्बत करो लेकिन असूल से, और इस तरह बेहयाई को प्रमोट नहीं करना चाहिए। तो यार, मुझे नहीं लगता कि वैलेंटाइन पे आपको इतना छुपने की ज़रूरत है। आप करें वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट, जायज तरीके से करें, अपनी वाइफ, अपने दोस्तों, अपनी फैमिली वालों को रोज़ दें, गिफ्ट दें, बैलून्स दें और इंजॉय करें। तो मुझे अपनी होस्ट आमना इफ्तखार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।